रामकिशोर की मां मंगलवार को हाथरस में भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग में शामिल होने वाले करीब 2.5 लाख लोगों में से एक थीं। सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। भगदड़ की खबर फैलते ही घबराए रिश्तेदारों ने अपनों की तलाश करना शुरू किया। रामकिशोर अपनी मां की तलाश में एक के बाद एक अस्पताल का चक्कर लगाते रहे, लेकिन बुधवार सुबह तक उन्हें अपनी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनको फोन भी स्विच ऑफ है, उनका वो नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं मिल रहा है। पूरा 3-4 जगह में देख के आया हूँ। सब जगह पता किए? हाँ, हर जगह पता किया। सब बता रहे हैं वहाँ जाओ, यहाँ आए, यहाँ थे, बोल रहे वहाँ जाओ, अलीगढ़ बताया है, अलीगढ़ से उधर जाना के बोला है। हालांकि कई और लोग थे जिन्हें ये जानकारी मिली कि उनके चहेते लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे परेशान हो गए, गम का सैलाब उमड़ पड़ा। हादसे के बारे में उन्होंने जो कुछ सुना उसे बताते हुए वे सिहर उठे। प्रोग्राम में एकदम ऐसी भीड़ आई, सो मतलब एक के ऊपर एक, मम्मी बहुत ज्यादा नीचे दब गई थी हमारी। ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पर जो एक के ऊपर एकदम भीड़ एकदम टूट पड़ी? भीड़ टूटी थी, वो प्रभु जी आए थे उनके उनके चरणों की धूल लेने के ऊपर, एक के ऊपर एक। उर्मिला देवी अपनी पोती को सत्संग में ले जाने के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं। हादसे के बाद से वे उसे तलाश रही हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। उर्मिला देवी ने कहा कि पोती को ढूंढे बिना घर वापस जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अबे तो हमें अपनी बेटी की चिंता है, मेरे ऊपर दोष लगा हुआ है, वही तो गई लिबा के ले गई, मतलब मेरे संग न पोती कोई बात नहीं। जाई मार में घर ना गई अपने, उन्हें कोई घर से आया, जिन गुस्सा हमें ना आया, जिनका घर से नहीं कोई आया, भगवान ने नहीं आया, पता तो लग गया होगा उन्हें। हाँ, थोड़ी बहुत पता लग गई है। हालांकि लोकेश जैसे कुछ लोग अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजने में कामयाब रहे, लेकिन वे उन्हें गंभीर तौर पर घायल मिले। वे कुछ रिश्तेदारों को अब भी तलाश रहे हैं। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि हादसे में घायल हुए कई लोगों और कई मृतकों के शवों को रेस्क्यू टीमें सिर्फ हाथरस ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों के अस्पतालों और मॉर्चुरी में ले जा चुकी हैं। हम तीनों जनों ने खूब ढूंढा, नहीं मिले, खूब प्रयास किया, फिर 3 लोग खोए हुए थे। एक हमारी भाभी जी थी, एक हमारी दादी जी थी और हमारी एक सिस्टर थी। इनमें 2 लोग तो हमको मिल गए, 5:30 बजे 2 लोग हमको मिल गए। उनकी ज़्यादा हालत गंभीर थी, फिर हमने देखा कि नहीं मिल रही है, तो हमने पुलिस प्रशासन से भी पूछा, सर हमें कुछ ऐसा बता दो कि जहाँ हमें मिल जाएँ। उन लोगों ने एक ही जवाब दिया कि या तो आप एटा जाएं, या कासगंज जाएं, या अलीगढ़ जाएं, या हाथरस जाएं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार वाले और रिश्तेदार गुस्से में हैं, लेकिन खुद को बेबस पाते हैं। वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इतनी लाखों की भीड़ में क्या होगा, जो गिर गए के ऊपर क्या है रही है ये बताइए। बोले कि यहाँ नहीं मिली, क्या कहें, मैंने कहा आप मेरे लिए बता देना है। मैंने 6 बजे कॉल आया, बोले बिल्कुल नहीं मिली, कोई पता नहीं पड़ रहा वहाँ से। सक्कत क्या करें आप सर, न्याय मिलना चाहिए हमारे लिए, कठोर से कठोर न्याय मिलना चाहिए, और यही कहना चाहेंगे, और कुछ नहीं। प्रशासन तो देखो जी, शासन तो न्याय की गुहार लगाएंगे। मैं नहीं, पूरा जितने मृतक हैं उनके परिवार के लोग सभी गुहार लगाएंगे कि प्रशासन कुछ न कुछ न्याय गरीबों को दिलाए। जो लोग हादसे से बच निकलने में कामयाब रहे वे भी हैरान हैं। हाँ, तरफ में ही घटना हुई, हम तो थे नहीं, हम तो स्टेशन चल दी ना। जब फार्म के फूना, जब फार्म के लोग बाग बताएं तो भाई दुख तो होता है। हादसे का शिकार हुए लोग हाथरस के फुलरई गांव के पास नारायण साकार विश्वहरि के नाम से मशहूर भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर सबूत छिपाने और शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे, जबकि सिर्फ 80,000 लोगों को ही इजाजत दी गई थी। नारायण साकार विश्वहरि का नाम FIR में आरोपितों की लिस्ट में नहीं है, हालांकि उनका नाम शिकायत में दर्ज है।